ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। What? तैयार हो जाओ, तो मेरे साथ जा रही हो। लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं। जो कह रहा मैं करूँ, सवाल मत कर। अहमद, कहा ना तो मेरे साथ जा रही हो, तो जाओ तैयार हो क्या? ऑल राइट जमाली साहब, डायरेक्टर्स की तरफ से अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया हो मेरे डिसीजन पे तो बताएं। मैम, इस हवाले से मैंने आपको एक ईमेल सेंड की थी, शायद आपने चेक नहीं की। मैम, जो ऑब्जेक्शन अहमद साहब ने रेज किया। वेल, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की हैसियत से मैं इंडिपेंडेंटली किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूं। मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैं कंपनी की लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स को होल्ड करता हूं, और ये मेरा ऑथेंटिक राइट है कि मैं अपनी मर्जी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं। सो मैं आप सबके सामने एक नाम पेश करने जा रहा हूं, बल्कि मैं उन्हें बुला ही लेता। जवाली साहब, प्लीज बुलाइएगा। मैडम, आप प्लीज आइए। Tabi is highly educated woman. She has done her master's in applied economics. मगर इसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से क्यों करवा रहे हो? उसकी रीजन ये है मामा, क्योंकि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। What? How is it possible? आपको पता है ये लिमिटेड कंपनी है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर ऐसे कैसे आ सकता है? तो सुन ले, मैं अपने 50% ऑफ शेयर्स ताबीर के हक में विड्रॉ कर रहा हूं। इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मामा, आपने भी मुझसे पूछे बिना ज़ारा फाहद को डायरेक्टर अपॉइंट किया। वो और बात थी। बात तो एक है, बोथ आर द सेम केसेस। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना लाजमी था। इससे तो बिजनेस की ABC का भी नहीं पता। मॉम, ज़ारा का भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना ताबीर का। ये कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो एंटर नहीं हो रही हमारे बिजनेस में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताबीर इज माई वाइफ, और मैं चाहता हूँ कि वो इस बिजनेस में इक्वली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, हमें क्या एतराज हो सकता है? ये तो लीगल स्टाफ बेहतर बता सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इनके नाम से भी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। आप लोग बेहतर समझते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जमाली साहब, लीगल प्रोसीजर के लिए लीगल डिपार्टमेंट को डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें आप। राइट सर। गुड। आओ ज़ारा, लेट्स गो। सो बेगम साहिबा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं क्या करूंगी गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सीख जाओगी। तब तक ड्राइवर भी होगा तुम्हारे साथ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। कोई हेल्प चाहिए? वो ही देख रही थी। आप इतनी मसरूफ थी कि आपको पता नहीं चला कि मैं कब आया। वैसे बाय द वे, ये क्या इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं आप? आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर थोड़ी सी तैयारी मुझे भी करवा दे। मॉम, वो आपके अहमद साहब मिलना चाह रहे थे मुझसे। क्यों? पता नहीं, बस मुझे तो अनवर चाचा ने आके मैसेज दिया है। अच्छा, लेकिन उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुम भी उसे मत बताना कि तुमने ये बात मुझसे शेयर की है। मैं उससे मिलूंगी तो उसको कुछ बताऊंगी ना,
मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मिलना तो बहुत दूर की बात है। आपको पता है उसको जब भी देखती हूँ ना, मुझे वही सारा मंजर याद आने लग जाता है जो मैं कभी भी याद नहीं करना चाहती। मुझे ये नई सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि आंटी इन सारे फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपने सारे फैसले खुद कर सकता हूँ। मैं आज से पहले भी सारा बिजनेस मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अम्मी और फाहद को तो कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, और फाहद तो सिर्फ पैसे मांगने ऑफिस आता था। मगर अब की बात और है। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं अहमर, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस बात का तो यकीन है मुझे। थैंक्स। अभी आप देखती जाए मॉम, क्या क्या होने वाला है। एक मामूली सी लड़की मेरी सारी जिंदगी की मेहनत खराब कर देगी। जिंदगी भर की मेहनत? हाँ ना, मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत से अहमर को पाल पोस कर जवान किया, फिर 2% की मिडिल क्लास लड़की आकर उसको हाईजैक करके ले जाए, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इतनी तो साबिर हूं नहीं मैं, सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। बट मॉम, आई थिंक थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ। आप कुछ भी नहीं कर सकती, ये गेम अब आपके हाथ से निकल चुकी है। वो लड़की जिसे हम सारी जिंदगी मामूली सी लड़की समझते रहे, अब गैर मामूली हो चुकी है। कैसे मुंह भर के उसने कह दिया, मेरे 50% शेयर्स की मालिक मिसेस ताबीर अहमर, जिसने कभी जिंदगी में 10,000 कैश इकट्ठे ना देखे हो, वो करोड़ों की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही। लुक एट हर। ग्रुप का चेयरमैन तो अहमर ही है ना, उसका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। आप क्या कर लेंगी मॉम? अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में, वो सब कुछ जिसका अहमर को वहमो गुमान भी नहीं है। मैंने पाला है अहमर को, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको हैंडल कैसे करना है। मॉम, आपको नहीं लगता कि ये दोनों मियां बीवी काफी तेज जा रहे हैं? डजंट मैटर, हमसे नहीं जीत सकते।